हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे ईएमआरएस लाइब्रेरी की, यानी ईएमआरएस लाइब्रेरी की जो तैयारी चल रही है। और सभी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत वीडियो पर भी मैंने देखा है और कमेंट में भी देखा है, तो आपका ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका पेपर कब होगा। यानी कि पेपर आपको मैंने बताया था कि अभी कोई चांस नहीं है दिसंबर से पहले इसका पेपर हो जाए, यानी कि दिसंबर आपका या जनवरी में आपका पेपर होगा इसका। और अभी केस जो चल रहा है, आपका ने ईएमआरएस का केस देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में के स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे निकाल दिया। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, अगर आप प्योरली पढ़ना चाहें, यानी एक तरह से पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा कि वो किसके अंडर में आता है ईएमआरएस। पर जो स्कूल्स हैं वो जो मेंटेन कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए वही बवाल चल रहा है और वो कोर्ट में गई हुई वैकेंसी है। तो उसकी टेंशन छोड़ दो, आप अपने करो तैयारी, यानी कि अपनी तैयारी करो और अपनी तैयारी करके आप अपना क्या करो, अपने तैयारी को पक्का कर लो। और जिससे आपको क्या करना पड़े, एकदम आप फॉर्म भरो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि इतने टाइम आप वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो फिर क्या नाम, तैयारी में टाइम निकल जाता है, तैयारी में टाइम निकल जाता है तो फिर वही बवाल होता है, तो इसलिए अपना तैयारी करके रखो। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ओवर व्यू ऑफ प्रिंसिपल। जो हमने कल पढ़े हैं प्रिंसिपल्स, उसके ओवर व्यू पढ़ने हैं आज हमें, यानी कि कल जो ओवर व्यू, यानी कि सीधे सीधे इसके किसके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के ओवर व्यू प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। और इन सॉरी प्रिंसिपल एंड पार्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है ओवरव्यू की, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जब हम ओवरव्यू की बात करते हैं, सीधे सीधे ओवरव्यू में आपको मैंने सारी चीज़ बताई थी। भाई देखो, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन और बिब्लियोग्राफिक डाटा एलिमेंट था, उसकी लीडिंग थी, उसके क्रिएशन था, उसको क्या करना था, रिकॉर्ड करके रखना था एक तरह से पूरा सम ऑफ एरिया का, यानी कि पूरे सम ऑफ एरिया का एलिमेंट का ये क्या करना था, एक तरह से रिकॉर्ड करने के रखना था। किस लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कंटेंट के रूप में, यानी इन्फॉर्मेशन को क्या माना है, एक सूचना को एक ज्ञान का स्रोत माना है, इसलिए उसको क्या करना था, रखना था। और इसका क्या कहना था, इसका कहना था जो डाटा है वो मेनली एक्सेसिबल पॉइंट उसका है, यानी कि एक कुछ भी एक्सेस करने के लिए उसका रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी किताब, यानी कि लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में जब तक किताब नहीं होगी तब तक आप क्या अपने बच्चे को वहाँ पर लाने के लिए कहोगे, या फिर बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएगा, नहीं। तो वही सब चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें सभी सूचना सभी ज्ञान के स्रोत भरे हुए हों, यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा लाइब्रेरी का ज्ञान। फिर आता है इसमें जो आगे आते हैं, यानी कि इसकी जो चीज़ें हैं, तो उसमें क्या मैंने आपको बताया था, जो इसके डाटा है वो क्या होना चाहिए, नाम के हिसाब से होना चाहिए, समय यानी कि ऑथर के हिसाब से होना चाहिए, इसके जो टाइम है, ये सब चीज़ें बताई थी, ये आपको रिकॉल एक तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आ जाता है कि जो पर्सन के नाम से, यानी इतनी सारी चीज़ें बताई थी, ISBN नंबर हो गया, टाइटल हो गया, ये सब चीज़ें आ गई थी। फिर इसके बाद हम चल रहे थे, यानी कि हमारा जो आ रहा था प्रिंसिपल्स की बात आ रही थी, यानी कि किसके डिस्क्रिप्शन, यानी कि सॉरी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के प्रिंसिपल्स। तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के प्रिंसिपल से पहले आपको बताना चाहिए स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि इसके स्कोप क्या है। भाई स्कोप क्या है, एक तरह से जो ये स्कोप मान के चलिए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के, स्कोप क्या है, इट इज़ कॉन्टेंट्स कवरेज यूज़र एप्लीकेशन एंड जनरली टास्क के लिए, यानी कि किसके लिए लिख भी लीजिए एक बार, भाई यूज़र के लिए हो गया, एप्लीकेशन जनरल जनरिक टास्क और एसोसिएटेड, ठीक है। आगे चलते हैं,
ये सारे आ जाएंगे। फिर यूज़र एप्लीकेशन टास्क ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं इस टॉपिक में। फिर आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसका जो फ़ायदा है एक तरह से ये है फाइंड करने के लिए। सबसे पहली बात है फाइंड करने के लिए, टू लोकेशन यानी लोकेट द सेट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज के लिए। फिर आपको रिसोर्सेज ढूंढने में जो सारी चीज़ें आती है ये सब चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि धीरे धीरे वह इसी चीज़ पे आ रहे हैं जो हमने कल एक तरह से पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल की बात। देखिए ऐसा रंगनाथन जी का नाम तो आपको पता ही है, किस लिए लिया जाता है हमारे, किस लिए लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे को क्या दिया है, जिसका पेपर आप दे रहे हो यानी कि लाइब्रेरी दी है। अब आते हैं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, यानी कि कानून। आपको सारे बताया था कैनन्स ऑफ, से ये सब चीज़ें बताई थी उसी के अंडर में, यानी कि आपको पता है रंगनाथन जी ने बनाया, यानी कि फाउंडेबल इन रंगनाथन। तो फिर ये कहते हैं रंगनाथन जी कि दीज प्रिंसिपल स्टिल से, यानी कि एक तरह से प्रिंसिपल के बारे में बताया, प्रिंसिपल कौन से हैं, यानी कि इनके प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया। और बेसिक प्रिंसिपल लिख लीजिए, सबसे पहला आता है रंगनाथन प्रिंसिपल, यानी कि रंगनाथन प्रिंसिपल के नाम से ही आता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले रंगनाथन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, रंगनाथन प्रिंसिपल लिख लीजिए, रंगनाथन प्रिंसिपल्स, रुकिए एक मिनट देखते हैं ये कैसा कलर है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा रंगनाथन प्रिंसिपल, क्या कहता है रंगनाथन प्रिंसिपल, कहता है सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ परमेंसी प्रिंस, लिख लीजिए मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, तो ये सारे आपके आ जाएंगे इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि रंगनाथन प्रिंसिपल। फिर आता है रंगनाथन यानी प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। भाई प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इज अ, यानी कि एक तरह से गाइडलाइन होती है फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो आप टॉपिक यानी कि बीली में आपने पढ़े हैं और जो डीली में आपने पढ़े हैं वो टॉपिक, वो इससे मेल इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो अपने पास होने के लिए पढ़ा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें, चीज़ें यानी सिलेबस में भी, कि जो आपके ये मान के चलिए डेली यानी कि जब लाइब्रेरियन बन जाओगे तब तो काम आएगी, पर आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी, इसलिए भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, रूल्स टू मैनेज, और इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ। आप सोचते होंगे कि क्या नाम पढ़ाते नहीं हैं, मैं पढ़ाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो आपका टॉपिक है ही नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपका टॉपिक, आपके 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में से मान के चलिए 6 टॉपिक आने हैं और 5 यानी कि जो 4 टॉपिक बचे हैं वो आपको एक तरह से आइडिया लगाना चाहिए लाइब्रेरी का कि किस तरह चीज़ें होती हैं, तो वो 4 टॉपिक इसलिए डाल रखे हैं। तो यानी कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 4 टॉपिक किस लिए हैं, लाइब्रेरी बनने के यानी लाइब्रेरियन बनने के बाद आपको पता होना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक भी इसलिए डाले। तो ये आपको पता समझ में आ गया। अब रूल्स में यानी कि इसमें सारी चीज़ें आएंगी, फिर इसके ओरिएंटेशन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल और रोल्स आ जाएंगे, यानी इंटरचेंजेबल आ जाएगा, फैक्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल, ये सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है,
अब जो इसकी बात आती है तो इसमें सबसे पहले आता है एक चीज़ आती है इट मे बी, यानी कि क्या है स्टेटमेंट फैक्ट आ जाती है। ये क्या है रूल क्या करते हैं एक सच्ची मददगार के रूप में होते हैं, यानी कि ट्रू और लाइफ, यानी कि ट्रू सच और हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है एविडेंसेबल होते हैं, रिसोर्सेबल होते हैं, ये सब चीज़ आ जाएगी, पर्पजेबल होते हैं। फिर आगे चलते हैं, चलते चलते आपका ACR2 की मैंने बताई थी, ACR2 और मार्क, ये दो चीज़ मैंने बताई थी। ACR2 आपको पता है, ACR2 का मतलब क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स कितने बने हुए हैं, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए एंग्लो अमेरिकन रूल। फिर आता है एंग्लो अमेरिकन रूल 2, फिर आता है एंग्लो अमेरिकन रूल, सॉरी R2, यानी कि तीन तरह के आ जाएंगे, तीन तरह के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल आ जाता है, फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पहला आएगा जनरल, इसी के अंडर आपका, इसी के अंडर है, यानी कि प्रिंसिपल्स के अंडर ही आ जाता है इसका, जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल, और दूसरा आ जाएगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बिबलियोग्राफी डिस्क्रिप्शन एंड एसेस, ठीक है। इसके अंडर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ यूज़र आ जाएगा, कॉमन यूज़र आ जाए, यूसेज आ जाएगा, फिर इसके एकोमोडेशन आ जाएंगे, साइंटिफिक पर्पस आ जाएगा, सेटलमेंट आ जाएगा, ये सारी आ जाएंगी, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएंगे। फिर आता है बिब्लियोग्राफिक, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में वही आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, लिंकेज आ जाएगा, यानी कि ये लिख लीजिए, इसे भी ऐड कर लेता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफी रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप में, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, फिर आ जाएगा लिंकेज, मल्टी लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि मल्टी लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट में आपको पता है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी फिजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर, कंटेंट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ठीक है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, फिर कंटेंट यानी कि कंटेंट डिज़ाइन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा टॉपिक था इसके अंडर में, यानी कि ये सारे जो चीज़ थी। आप जो कल पढ़ना है वो भी आपका खास नहीं है। देखो मैंने आपको जब KVS की तैयारी कराई थी तब मैंने बताया था कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ, यानी कि आपके जो सेकंड पार्ट का सेकंड यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट इम्पॉर्टेंट है इसका, ओपेक वाला, और कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है मेथड ऑफ, ये आ जाएंगे, फिर आ जाता है जनरल, यानी कि जो थर्ड यूनिट शुरू हो रही है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अंडर भी जो स्टैंडर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तीसरी यूनिट में आपका जो 10 नंबर का जो कंप्यूटर आता है वो है, इसमें भी जनरल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, साइज पूछ लिया जाएगा, सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाएगा, इसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम पूछ लिया जाएगा। फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, जो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है DBMS, यानी DBS डाटा मैनेजमेंट, सॉरी डाटाबेस, सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पैकेज, वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो सारे के सारे जो चीज़ें शुरू होती हैं वो कहानी शुरू होती है आपकी चौथे पार्ट से, यानी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट से ही सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।